सेमीफाइनल में शाहबाज अहमद थोड़ा महंगा जरूर साबित हुए हैं, लेकिन विकेट भी निकाल के दिया है बंगाल टीम को। दोस्तों मध्य प्रदेश और बंगाल के बीच चल रहा है रणजी ट्रॉफी का सेमीफाइनल, जिसमें पहले बल्लेबाजी करते हुए मध्य प्रदेश ने 271 रन बना दिए हैं और अब पहला दिन भी समाप्त हो चुका है। 86 ओवर का खेल हुआ है जिसमें आकाशदीप और मुकेश कुमार शाहबाज अहमद ने विकेट निकाल कर दिए अपनी टीम को। 271 पर 7 विकेट गिर चुके हैं मध्य प्रदेश के। तो हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं मेवाती क्रिकेट यूट्यूब चैनल। दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, बेल आइकन जरूर दबा दीजिए। अगर आप शाहबाज अहमद के फैन हैं तो प्लीज कमेंट जरूर करें और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको शाहबाज अहमद की वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पर मिल सके। दोस्तों मैं आपके साथ शमीम मेवाती। दोस्तों रणजी ट्रॉफी का सेमीफाइनल चल रहा है, उधर मुंबई का भी सेमीफाइनल चल रहा है। मुंबई ने 259 रन बना लिए हैं और अपने 5 विकेट गवा दिए हैं। तो यहाँ अगर बात करें तो बंगाल टीम की, बंगाल और मध्य प्रदेश के बीच सेमीफाइनल में पहले दिन 86 ओवरों का खेल हुआ जिसमें शाहबाज अहमद ने एक महत्वपूर्ण विकेट निकाला। शाहबाज अहमद ने 14 ओवर डाले लेकिन उसमें 2 मेड इन डालकर 70 रन दिए। थोड़ा महंगा ज़रूर साबित हुए लेकिन एक विकेट निकालने में कामयाब हुए। वहीं मुकेश कुमार और आकाशदीप ने 2-2 विकेट निकाले। अगर दोस्तों हिमांशु की बात करें तो हिमांशु ने ज़बरदस्त शतक लगाया है अपनी टीम के लिए। जी हाँ दोस्तों, हिमांशु मध्य प्रदेश की तरफ से विकेट कीपर के तौर पर खेलते हैं टीम के अंदर। तो दोस्तों क्या सेमीफाइनल बंगाल जीत पाएगी, क्या शाहबाज अहमद अभी एक आध और विकेट निकाल पाएंगे, जब कल के दिन देखेंगे पिच में थोड़ी और नमी होगी, क्या वहां पर शाहबाज अहमद की बॉलिंग चल सकती है, क्या वहां शाहबाज अहमद की फिरकी चल सकती है, यह तो कल ही बताएगा जब मैच स्टार्ट होगा। लेकिन दोस्तों अगर आप लाइव अपडेट देखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल से बने रहिए, और हाँ अगर आपने अभी तक बेल आइकन नहीं दबाया तो बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। आप देख रहे हैं मेवाती क्रिकेट यूट्यूब चैनल, मैं आपके लिए लाता हूं सबसे पहले शाहबाज अहमद की वीडियो और रणजी ट्रॉफी से जुड़ी हुई न्यू अपडेट। तो आप मेरे चैनल से बने रहिए।